नहीं है, बोनी का टाइम है। नहीं है लेकिन हमको तो चाहिए ना, और वो भी सेम वाला चाहिए। सर लेकिन इस कंपनी के अंदर भी नहीं है सर। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। देखिए सर, ये कंपनी का कोई भी स्टॉक है ना, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। हाँ, इसलिए तो हम बेचते नहीं है। अगर होता तो क्या हमारी नानी मर गई कि हम आपको ना बेचे? Well, मत बोलो झूठ इस दा, वरना सर से पांव तक जाओगे टूट इस दा। बेबी कम कम बोलो। इस कंपनी का कोई भी माल हमारे पास नहीं है, मतलब नहीं है। माइंड इट योर लैंग्वेज। बोनी का टाइम है ना। देखो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि नवजीवन एजेंसी से इस पेपर स्प्रे के आज से 10 महीने पहले 100 डिब्बे मंगवाए गए थे, और हमने ये भी चेक किया है जो डिब्बे डिलीवर हुए हैं वो डिलीवरी का एड्रेस ये था, यानी कि तुम्हारी दुकान। अब जब तुम इस पेपर स्प्रे को बेचते ही नहीं हो यार, तो इन 100 डिब्बों का तुम कर क्या रहे थे? नहीं, वो क्या है कि वो मैं बंद होगी बोलती इस दा, रात को देर से घर जाओ तो बीवी दरवाजा नहीं खोलती इस दा। क्या तो बेटा, ऐसी बात है ना कि हमारे पास सारे सबूत है कि ये माल यहाँ डिलीवर हुआ था। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि पिछले 10 महीनों से हमने ये स्टॉक रखा है लेकिन कोई खरीदता नहीं। अरे एक्सपायरी डेट भी हो चुकी है इसकी। लेकिन एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा कि हमें ये स्प्रे चाहिए, तो हमने उसको ये एक्सपायरी डेट वाला स्टॉक थमा दिया। बोनिक का टाइम है, और आपको देखकर मैं डर गया कि कहीं उसने आपसे शिकायत तो नहीं की, इसलिए मैंने झूठ बोला। बोनिक का टाइम है। अबे शर्म नहीं आती, मैं एक्सपायर्ड माल भेजते हो? वैसे तुम पहचान दो जिसने माल खरीदा? हाँ हाँ, शक्ल से मैं बिल्कुल पहचान जाऊंगा, बोनिक का टाइम है। Well, अब तुम बनाओगे उसका स्केचेस दा, आई लाइक क्रिकेट का मैचेस दा। आओ आओ, चलो चौकी चलो, हमारा स्केच आर्टिस्ट तुम्हारा वेट कर रहा है, आओ। अरे हाँ भाई, भाई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्केच मेकर मिस्टर डिबेलो। हाँ बन गया स्केच, रेडी है, लगेंगे एक आध दिन और अभी। रेडी है मैडम। गुड, दिखाओ जरा, घुमाओ। हाँ वही बनिए। देख, यो वो आदमी है जो आया था थारी दुकान पे पेपर स्प्रे खरीदने। पहचान क्या? मैं पहचान क्या इसको? यही है वो, इसी ने मेरी टुईया को मुझसे दूर कर दिया। भूला। यही है वो शहरी बाबू जो हमारे गांव में आया था और मेरी मोहब्बत टुईया को अपने जाल में बहला फुसला कर छोड़ के चला गया। और मैं बिरजू कंचा खेलने में रह गया। तुम बाबूजी आएंगे? ना घबराओ ना, ये सब छोटी मोटी चीजें इस चौकी में चलती रहती, तुम जरा देखो ना उधर पे, देखो और बताओ कि वही है कि नहीं। वही आदमी ये जो मेरी दुकान में आया था पेपर स्प्रे खरीदने के लिए। Yes! बोनी का टाइम है क्या? वेरी गुड गुलगुले, ये स्केच ले, रिकॉर्ड रूम में जा, कंप्यूटर पे जो है ना चेक कर इस सगल के आदमी का जो है कोई भी पुलिस रिकॉर्ड हो तो। है जी मैडम। गोपी क्या कंप्यूटर चलाया कभी? परसों ही चलाया था जी, पेट्रोल खत्म हो गया, आज शाम को पेट्रोल भरवाऊंगा, कल चला के दिखा दूंगा। सॉरी, गुड, सॉरी। हाँ, हमारा कसूर, हमने कुछ पूछ लिया ऐसे। हाय हाय, इसलिए जो है ना 30 साल से हवलदार का हवलदार ही है, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, समझा? मम्मी जी मुझे तरक्की चाहिए भी नहीं जी, मैं इसी में खुश हूँ।
ना तू तो खुश है हमारी खुशी का के? हाँ तू तो खुश है ही कुएं का मेंढक, हम क्यों इतने डिप्राइव्ड रहे खुशी से? सरकार से तो मुफ्त की ले रहा है 30 साल से पगार, हम झेल रहे हैं सो पता नहीं हमने कौन से पाप करे हैं। और अगले 30 साल के लिए यो आ गया ये 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 मानुभाव बिल्लू। कौन बिल्लू? चाह पी के आने हैं, जरा माइंड क्रैश हो जाएगा। आ जाओ गुप्पी, धक्का मार देना कहीं मौका मिले तो, प्लीज एक अच्छा काम करना। अरे खुरपी पानी ले आ जरा, खाद डाले पौधों में। चाचा हाँ बेटा बजाओ खटखटाओ, तो ऐसा कहो ना खटखटाओ 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 खटखा। पुलिस? अरे वाह, अच्छा ऑब्जर्वेशन रखती हो, पुलिस की वर्दी पहचानती हो। अभी गुलगुले स्केच दिखाओ बे। स्केच देखकर बताओ कि ये तुम्हारे दोस्त है, भैया है या सैया है? ये तो डब्बू है। अब ये बताओ कि डब्बू के घर में तुम कर क्या रही हो, और डब्बू है कहाँ, और तुम डब्बू को जानती कैसे हो? मैं उसकी बीवी हूँ और इसलिए इस घर में हूँ। और रही बात डब्बू की, तो वो तो 6 साल पहले मर चुके हैं। क्या? अबे क्या बकवास कर रही हो बे, झूठ का है बोल रही हो, मर कैसे सकता है वो? देखिए लगता है आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना। एक मिनट, मैं उसकी मौत का सबूत अभी लेके आती हूँ। सर कहीं लाश वाश घर में तो नहीं रखी है सर? हाँ हो सकता है। ये लीजिए उसकी डेथ सर्टिफिकेट, और ये है उनके अंतिम संस्कार की सीडी। सीडी? चलो ठीक है मैडम, फिलहाल तो हम जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाना। ओके ओके। हुस्न हाई फाई है। एक बात कहूँ? आपको देख के है ना मुझे अपने रमेश की याद आ गई। Who is the Ramesh? मेरा कुत्ता। चलो सर चौकी चलते हैं, काम है बहुत। हाँ ना बातचीत ना करो, आज ये टॉपिक यहीं खत्म हो के रहेगी। तुम उनके कुत्ते तो नहीं हो बे? अब सर तुम्हारे कुत्ते का क्या हुआ जरा बताओ। वो भाग गया। रस्सी लाइए रस्सी। रमेश इनको देखकर कुछ याद आ रही है तुमको? अरे यार इसे डर गए तुझे देखकर। चल भैया, इस सीढ़ी के अकॉर्डिंग तो जो है डब्बू ढींगरा पैकअप हो गया, इसका अंतिम संस्कार हो गया भाई। ये मतलब उसकी बीवी भी सही कह रही थी मैडम, ये आदमी 6 साल पहले मर चुका है और ये सीढ़ी भी 6 साल पुरानी है। Well, उलझता जा रहा है केस इस दा, मेरा गांव मेरा देश इस दा। अरे अगर डब्बू ढींगरा जो है निमट गया है तो कौन गया पेपर स्प्रे खरीदने उसका भूत? हो सकता है मैडम। हाँ हो सकता है। मेरे बचपन में मोहल्ले में एक आइसक्रीम वाला आता था, मैं उसकी आइसक्रीम खा लेता था, लेकिन मैंने उसको कभी पैसे नहीं दिए, फिर वो मर गया। हाँ लेकिन वो आता है अभी भी कभी कभी पैसे मांगने। बिल्लू बिलोटे, तेने जरा भी आइडिया है कि अगर तू कमिश्नर का रिलेटिव नहीं होता तो थारे संग अभी के हो रहा था? एनकाउंटर। वाओ 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 वाओ। सार है वैसे लौंडक। दीदी से बोल दूंगा।
अबे क्या दीदी से बोल दूंगा देंगे रख के तेरे को। दीदी दीदी को पता चलेगा तूने क्या किया, तेरा खुद का एनकाउंटर कर देगी वो। हाँ दीदी से बोल दूंगा, चल जाके पान लेकर हमारे लिए, चल जा देख क्या रहा है जल्दी जा। गोपी जरा पेंसिल दे। या सर शुक्र है पता है कि पेंसिल क्या होती है। गुड। अरे सर एडुकेटेड आदमी है ऐसा ऐसे लगता है। समझ में आ रहा है क्या कर रही है मैडम? स्विमिंग। ये डब्बू तो निकला राका इसका, गांव में पड़ गया टाका इसका। अबे ये तो सेम टू सेम राका की फोटो है। हाँ लेकिन लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है, मतलब राका ही राका को भगा के ले गया ये कैसे? हाँ ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन एक और चीज भी तो हो सके, सीता और गीता, राम और श्याम, किशन कन्हैया, चालबाज सिरदेवी गोपी, या किशन सॉरी जुड़वा। हो सकता है कि दो जुड़वा भाई हो। मैं छोड़ा ला ये सब तो ठीक है, लेकिन डब्बू का तो अंतिम संस्कार हो चुका है। हाँ बीवी ने खुद हमसे कहा है, करेक्ट? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बुलवाया जाए जरा इसकी सो कॉल्ड बीवी ने। वेल मॉम, ही इज द वाइफ इज द ही या मैडम, मुझ बेचारी बेसहारा अबला को क्यों परेशान किया जा रहा है, हुस्न हाई फाई है। अबला अबला नहीं तबला बजेगा और तू गाएगी और हमें बताएगी कि मामला क्या है। मामला? कैसा मामला? हुस्न हाई फाई है। ओ देखो यार जो भी बात है वो जरा खुल के मैडम को बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का साबूदाना दूध के साथ उबल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की वायलेंट विद्या, मेरा मतलब है नोटोरियस नगमा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल बेबी, वेल दीदी, ओपन योर माउथ इज द नॉर्थ ईस्ट बेस्ट एंड साउथ इज द। राका कौन है यार? राका? मैं किसी राका वाका को नहीं जानती। चलो ये बढ़िया हुआ तू नहीं जानती है ना, हैं? तो फिर तू हमारे किसी काम की ना है। वैसे 10 तक गिनने का जो है ना मैं तेने टाइम देती हूँ, हम गिनेंगे 10 तक, और उस दौरान अगर तो तेने याद आ गया कि कौन है राका उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन तो वेल एंड गुड, और अगर तो नहीं आया याद तो फिर जो है 1 से 10 में थारा 10 भी दानिया हो जाएगा, एंड बाय दैट आई मीन दिस। ए बिल्लू। यस ओ बिल्लू। बिल्लू बेटा 1 से 10 तक गिन, आंटी मरेगी आज, आंटी को मारेंगे। ओ बिल्लू। 1 2 3 कही 5 6 7 8 9 हाय हाय। मैं बताती हूँ, मैं कोई डब्बू अबू की वाइफ नहीं हूँ और ना ही उसका नाम डब्बू है, उसका नाम राका है जो कि शाका का जुड़वा भाई है।
Excuse me, ladies and gentlemen. भाई, sorry, I'm not modest, लेकिन मैंने I told you so, मैंने कही थी। Yes! और मैडम, मैंने जो भी सबूत दिए थे ना, वो सब झूठे हैं। ओहो, अब ये सब बता ही दिया है तो अब ये भी बता दो कि राका और शाका मिलेंगे कहाँ? वो तो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कल महाशिवरात्रि है और टिमरकन टोला में जो शिव मंदिर है वहाँ राका हर साल की तरह इस साल भी शिव जी को दूध चढ़ाने आएगा। सॉरी मचड़ल, हम जरा खाली वैसे हमें नहीं लगता है वो आज ही आने वाला है, वो राका आएगा नहीं आज। मैडम ये भी तो हो सकता है वो किसी और मंदिर चला गया हो। ये राका कौन है काका? भूला। ऐसी नेगेटिव क्यों नेगेटिव मुंह से जो है सब निकाल ले वो सबके सब। आज शिवरात्रि का दिन है और मन्ने यकीन है कि शिव जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। चलो अंदर चले। गिर जाऊंगा। अरे क्या 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 हुआ? सारा खेल खत्म हुआ राका। मैडम एक बात बताइए, अंदर वाले कमरे में आई इतने सारे साधुओं में आपने मुझे कैसे पहचाना अंदर वाले कमरे में? साधु का गेटअप तो तैने बढ़िया धरा है, पर तू एक चीज भूल गया राका, तू जनेऊ पहनना भूल गया। और बिन जनेऊ के कैसा साधु? चल ईप तेरे ससुराल लेके चलूं। यू आर अंडर अरेस्ट। तो सब बोलो हर हर महादेव। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।